अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं इफ्तार में बना रही थी मिनी कबाब रोल्स और साथ में मूंग दाल के पकौड़े। तो मैंने सोचा ये रेसिपी जो है ये बहुत अच्छी है और इसको मैं शेयर करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम नॉर्मल जो हमारे कबाब हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैरिनेट करके इसको छोड़ देना है थोड़ी देर। तो गोश्त में मैंने प्याज, लाल वाली सूखी मिर्ची और ग्रीन वाली चिलीज़, फिर हरा धनिया, धनिया की जो सीड्स आती है वोल सीड्स वो, फिर थोड़ा सा सॉल्ट, ज़ीरा और चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और एक चम्मच घी। इसको अच्छे से मिक्स करके जो है ये हमारा मैरिनेट हो जाएगा। इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं। फिर बनाते हैं नान। तो नान का डो भी जो है उसको गून के थोड़ा छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए मैदे में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच सॉल्ट और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स को। फिर इसमें जाएगा दो चम्मच तेल और एक बड़ा चम्मच दही। इसको भी पानी के साथ आटा गून के थोड़ा देर इसको भी छोड़ देना है। और फिर मूंग दाल भी जो है उसको मैंने पहले से भिगो के रखी थी, तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ज़्यादा पानी इसको नहीं डालना पीसने के वक्त। और इस तरह ये पीस गया है, तो अब इसमें डालना है सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये फ्लफ़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखें इसमें जा रही हैं कुछ चीज़ें, जैसे धनिया के वोल वाले सीड्स, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ छोटा छोटा चॉप करके जो है इसमें मैंने अनियंस डाले हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं, ज़ीरा है और थोड़ा सा पेपर पाउडर है। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये भी हमारा रेडी है। बस ये तीनों चीज़ों को रेडी करके आप रख लोगे तो फिर आपका सारा ही काम हो चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए कबाब जो है इसको मैंने गोश्त को जो है अच्छे से पीस लिया है और अब बस इसको रोल करना है और फ्राई करना है। तो कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। और मूंग दाल का भी जो हमने जो बैटर बना लिया है उसके छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं। ये जब बाहर से हम लाते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे वो बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है और एक पे मैं नान बना रही हूँ, एक पे हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पर अब इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले ये छोटे छोटे मिनी वाले नान ले लिए मैंने, इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज। उसके बाद जाएगा हमारा इस पर कबाब। तो ये देखिए हमारा छोटा सा कबाब तो ये इस पे डाल दिया है। और साथ में मैंने जो हरा धनिया पुदीने की चटनी आती है वो बना ली थी, बस उसमें थोड़ा सा एक चम्मच मेयोनीज डाल के उसको पीस लिया था, तो एकदम क्रीमी सी चटनी हमारी बन गई। और ये देखें इसको मैं जब रोल कर रही थी तो ये बार बार खुल रहा था, तो मैंने इस तरह टूथपिक लगा दी है। और बस हमारे जो मिनी कबाब रोल्स हैं वो रेडी हैं, साथ में हमारे मूंग दाल के जो पकौड़े हैं वो भी रेडी हैं। और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यम हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप इसको ट्राई करें, इंजॉय करें। सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।